और नेटो देशों के साथ स्वीडन और फिनलैंड की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। बाल्टिक सी में स्वीडन और फिनलैंड का युद्ध अभ्यास है। समंदर में रूस को अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं दोनों देश। समंदर के किनारे फिनलैंड की नेवी का रूस को संदेश है और यहीं पर रूस की बाल्टिक फ्लीट भी तैनात है। और गौर करने वाली बात सबसे ज्यादा यह है कि नेटो में फिनलैंड और स्वीडन के शामिल होने से बाल्टिक के ताकत जो है वो नेटो की ज्यादा बढ़ जाएगी। बाल्टिक सी में फिनलैंड का ये युद्धाभ्यास क्या आग में घी डालने का काम कर रहा है? फिनलैंड की ये तैयारी क्या रूस को चिढ़ाने के लिए की जा रही है? नेटो में शामिल होने की अर्जी देने के साथ ही स्वीडन और फिनलैंड बाल्टिक सागर में जोर आजमाइश कर रहे हैं। फिनलैंड की नेवी समंदर के किनारे से रूस को संदेश दे रही है, रूस को ताकत दिखा रही है। एक तरफ रूस नेटो देश के सामने अपनी ताकत दिखा रहा है, तो उसके जवाब में फिनलैंड बाल्टिक सी में जोरदार तैयारी कर रहा है। फिनलैंड की इस तैयारी को नेटो से जोड़कर देखा जा रहा है। नेटो देशों के साथ साथ अमेरिका फिनलैंड और स्वीडन को जंग की ट्रेनिंग देता रहा है। बताया जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिलेगा, क्योंकि नेटो की मदद से अमेरिका आर्कटिक और बाल्टिक सी में अपनी ताकत का इजाफा करेगा। नेटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड और स्वीडन के लिए आर्कटिक सागर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। बाल्टिक और आर्कटिक सागर में रूस और चीन बहुत पहले से नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसे में बाल्टिक में फिनलैंड की नेवी की ये वॉर ड्रिल दोनों देशों को बेचैन करने के लिए काफी है। यूक्रेनी सेना का रूसी आर्मी पर जोरदार हमला। लुहांस्क में रूसी काफिले को किया तहस नहस। रशियन आर्मी की कई सैन्य गाड़ियां हुई नष्ट। खार्किव में भी यूक्रेनी आर्मी का पलटवार। ये यूक्रेन का पलटवार है, ये ज़ेलेंस्की की फौज का प्रहार है, ये रूस को यूक्रेन का सबक है, जो रूस को ये बताने के लिए काफी है कि वो झुकने वाला नहीं है, ना ही सरेंडर करने वाला है। ज़ेलेंस्की की सेना के बुलंद हौसले बता रहे हैं कि वो अपनी इंच इंच जमीन की रक्षा करना जानते हैं। रूस चाहे कितना भी हमले कर ले, उन्हें हरा नहीं सकता। बीते 85 दिन से जारी जंग की ये तस्वीर है, जिसमें यूक्रेन का पलटवार साफ नजर आ रहा है। यूक्रेनी सेना ने पोलिस मैन पैड स्पेरून की मदद से रूस के ऑरलांटैन को नष्ट कर दिया। रूसी सेना को ये नुकसान यूक्रेन में किस जगह हुआ, फिलहाल इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर है कि विदेशों से मिल रही सैन्य मदद रूस पर भारी पड़ रही है। रूस को हुए नुकसान का अब ये एक और वीडियो देखिए। रूसी आर्मर्ड गाड़ियों को ज़ेलेंस्की के जवानों ने तहस नहस कर दिया है। रूस के जंगी हौसले पस्त करने के लिए यूक्रेनी जवानों ने रूस को गहरी चोट दी है। खार्किव में भी यूक्रेनी सेना ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है। यूक्रेनी आर्मी की तरफ से काउंटर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। रूस के विध्वंसक प्रहार का जवाब बारूद बरसा कर दिया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।